हमारा चैप्टर नंबर 5 लिंग, आगे हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया संज्ञा, अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 लिंग के बारे में। तो आप स्टैंडर्ड 3 से जानते हो कि लिंग यानी कौन कौन से लिंग होते हैं और कितने होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी है क्योंकि हम ये आगे पढ़ भी चुके हैं और हम जानते भी हैं इसके बारे में कि इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं ऐसे। तो लिंग यानी क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते है। यानी कि शब्द की जिस रूप से वो शब्द स्त्री जाति यानी कि वो स्त्री जाति में आता है या फिर पुरुष जाति में आता है उसकी हमें जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं। आप ये तो जानते हो और आपको यही पता है ना कि कौन कौन से लिंग है, दो। कौन कौन से दो पता है, कौन कौन से, कोई नाम देगा मुझे वो दो के? मैं कोई नहीं करेगा, सिर्फ अपना हैंड राइज करो, मैं देखती हूँ किस किस को आता है ये आंसर, क्योंकि तुम थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आए। ओके, सबको आता है, तो ऐसा करें चलो सब साथ में बोलो। मैं पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई साथ में बोलो, लिंग के कितने भेद है? दो लिंग के दो भेद हैं। ओके, और कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वेरी गुड, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो मुझे लगता है सबको स्त्रीलिंग की डेफिनेशन में पता होगी कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। चलो मुझे बताओ, क्योंकि ये चैप्टर तो आज मुझे आप सभी पढ़ाओ क्योंकि आप सबको आता ही है चैप्टर ये। चलो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? यस करण बोलो। मैम, स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। वेरी गुड, मुझे कोई एग्जांपल दो, देखे बिना स्त्रीलिंग का कोई एग्जांपल दो। चलो मैम, पुत्री। वेरी गुड, पुत्री। और कोई एग्जाम्पल देगा? दादी। वेरी गुड। नानी, मामी, मासी, नारी। अरे लड़की, आपका नाम भी वही है हरली, तो हरली क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, माही, तो माही क्या है? स्त्रीलिंग है। दिनाल, फ्रेनी, तो ये स्त्रीलिंग है। यानी कि जो पुरुष जाति नहीं परंतु कौन सी जाति, स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। वैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं? हरली बोलो, हरली। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को वो पुल्लिंग कहते हैं। ओके, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। यानी कि जैसे कि घोड़ा, फिर नौकर। अभी आपको ऐसे पता चल गया कि पुल्लिंग कैसे कहते हैं, स्त्रीलिंग कैसे किसे कहते हैं, ठीक है। पर अभी आपको कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको दिया है कि बहुत सारे शब्द दिए हैं और उसे बोला कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानी है। ओके, तो आपको पहचाना, तो आप कैसे पहचानोगे? जैसे कि उस वर्ड में दिया है एक वर्ड मोबाइल, ठीक है, तो भी आप कैसे पहचानोगे कि मोबाइल स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में? तो आपको क्या करना है पता है? आपको क्वेश्चन पूछना है, मोबाइल कैसा, तो कैसा आएगा, तो क्या होगा? पुल्लिंग। पर किताब, तो किताब कैसी, तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। पर इसी किताब को आपको पुस्तक पूछा जाए कि पुस्तक, तो पुस्तक कैसा? ओके, नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। ओके, पहाड़? पुल्लिंग। ओके, टेबल? पुल्लिंग। ओके, कुर्सी? स्त्रीलिंग। ओके, ब्लैकबोर्ड? बोलो, ब्लैक बोर्ड किसमें आएगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? आवाज नहीं आ रही है किसी की मुझे। ओके, ब्लैक बोर्ड किसमें आएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग?
पुल्लिंग ओके चॉक पुल्लिंग चॉक पुल्लिंग पेंसिल स्त्रीलिंग ओके तो बस यही है हमारा चैप्टर कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें क्या कैसे हमें पता चलता है। फिर चलो कुछ वर्ड के हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं ठीक है। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा पुत्री ओके ऐसे मैं बोलूंगी नहीं क्या होगा पर आपको बोलना है ठीक है। बेटा तो बेटी बेटी जेठानी जेठ जेठ वेरी गुड सेठ लेखक लेखिका ओके चलो कुछ अलग पूछते हो शायद किसी को आ जाए। गुणवान गुणवानी नहीं गुणवती गुणवती गुणवान क्या हुआ पुल्लिंग और गुणवती ये सब इसमें पीछे वती आएगा ठीक है। भगवान वेरी गुड भगवती। फिर लेखक लेखिका लेखिका माता पिता पिता बहन भाई भाई ससुर सास ओके। फिर बैल गाय गाय देखकर नहीं बोल रहे हो ना नहीं मैम तो ठीक है। फिर शेर शेरनी क्या बात है सबको लगता है ये चैप्टर मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं सबको आ गया। चलो बुढ़ा तो बुढ़िया बुढ़िया डिब्बा डिब्बी नहीं नहीं डिबिया क्या कहते हैं डिबिया। तो चलो इस चैप्टर में हाँ फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसका बदलता नहीं है। फिर ऐसे होता है देखो खरगोश तो खरगोशी के ऐसा कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है नर खरगोश यानी कि मेल खरगोश और मादा खरगोश यानी कि फीमेल खरगोश समझ आया। फिर कौवा में भी ऐसा होता है कौवा तो नर कौवा और मादा कौवा फिर कौवा तो कौवी मत लिख देना फिर खरगोश तो खरगोश ही मत लिख देना समझ आया। कुछ वर्ड ऐसे होते कि जिसमें हमें नर या मादा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है क्या नहीं है करना पड़ता है। फिर देखो सारे हमारे जो ग्रह है ठीक है वो सारे पुल्लिंग है पर एक के अलावा पृथ्वी तो पृथ्वी क्या है स्त्रीलिंग हाँ पर एक ये बात हो सकती है कि पृथ्वी लड़के का नाम भी हो सकता है ठीक है समझ आया पृथ्वी लड़के का नाम भी हो सकता है। फिर इमली तो इमली क्या हो गई स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग चलो गुजरात पुल्लिंग वेरी गुड सोमवार पुल्लिंग पुल्लिंग तो चलो आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली अच्छे से समझ आया सिर्फ यही है हमारा चैप्टर मैंने आपको पूरा चैप्टर ही समझा दिया पूरा का पूरा चैप्टर ही मैंने ऐसे समझा दिया है आपको। फिर आपको क्या करना है पता है आपको सिर्फ अभी क्या करना है कि ये जो आपके ब्लू बॉक्स में जो दिए ना सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग आगे दो दिए और पीछे ये दिए वो आपको एक बार सिर्फ रीड करने हैं क्या करने हैं रीड करने हैं ठीक है। चलो तो अभी आपको क्या करना है नोटबुक में क्या क्या लिखना है वो देख लो। चलो आपको तो वैसे पता ही होगा कि क्या क्या लिखना है डेफिनेशंस वेरी गुड तो पहली कौन सी डेफिनेशन आएगी लिंग की चलो टिक मार्क करना है तो कर लो लिंग की डेफिनेशन आपको लिखनी है नोटबुक में कर लिया। Then, आपको देखो सामने लिखा है कि लिंग के भेद तो आपको लिखने हैं लिंग के दो भेद है ठीक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो लिखा है वो आपको लिखना है पुल्लिंग की लिखनी है डेफिनेशन यस फिर पुल्लिंग की डेफिनेशन और उसके नीचे देखो आपको जो उदाहरण दिए हैं ना थोड़े को एग्जांपल्स तीसरी एक्सरसाइज वो हमें लिखनी है कौन सी एक्सरसाइज बेटा
लिंग की, फिर आपको लिखना है लिंग के दो भेद है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, फिर आपको पुल्लिंग की डेफिनेशन ऑरेंज बॉक्स में दी है वो लिखनी है, और फिर देखो नीचे उसके यहाँ पे लिखा है अन्य कुछ उदाहरण वो भी आपको उसके नीचे लिखने हैं, और फिर पीछे स्त्रीलिंग की देखो स्त्रीलिंग की भी है दिखाई दे रही है और वो भी लिखनी है, और उसके नीचे भी एग्जाम्पल दी है दिखाई दे रहा है वो भी आपको लिखने हैं। ओके ओके मैम ठीक है, और फिर एक्सरसाइज में आपको क्या करना है ओके मैम ओके नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों में करनी है, जिसको कुछ कुछ प्रॉब्लम हो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना ठीक है, कुछ समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना, पर नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों में लिखनी है ओके ओके मैम। चलो चैप्टर सबको अच्छे से समझ आया ना यस यस। चैप्टर नंबर 6 वचन वो भी आप सबको ही मुझे समझाना है ठीक है ओके मैम।